हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशिल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल सी जी पी एस सी ई ज्ञान में, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन इंडिया, तो उसके बाद हमारा जो ये जो लेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे क्लासेस के सी जी पी एस सी के प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम्स के पेड कोर्सेज हमारे वेबसाइट में जाके खरीद सकते हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक। अब आता है हमारा स्कीम्स। सबसे पहले आएगा स्कीम नंबर 1, एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ अमृत प्रोग्राम। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है लोअरिंग द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो जो ये अमृत मिशन है दैट इज़ फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कैंसर एंड द कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसी का स्कीम है। और ये जो जननी सुरक्षा योजना है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन। देखिए, जननी सुरक्षा से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये जो स्कीम है वो मदर्स के लिए होगी। तो जो इट इज़ द सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये जो स्कीम है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आती है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है ऑफ रिड्यूसिंग द मेटर्नल एंड द इन्फेंट मोर्टैलिटी बाय प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग द प्रेगनेंट वुमेन। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को माँ और बच्चे की जान को बचाना होता है, कैसे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा के। इसका मतलब होता है प्रॉपर हॉस्पिटल में जो है वुमेन की डिलीवरी हो जिससे कि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें, ठीक है। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये कैश असिस्टेंस देता है विद डिलीवरी एंड द पोस्ट डिलीवरी केयर। मतलब पैसे भी मिलते हैं प्लस डिलीवरी और डिलीवरी के बाद जो है केयर भी मिलती है। द योजना हैज़ बीन आइडेंटिफाइड आशा, जो हम लोगों ने इससे पहले भी लेक्चर में देखा था। आशा क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं या फिर जो गाँव में हैं पूरा का पूरा वो लोग काम संभालती हैं, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं इन हेल्थ सेक्टर। तो जो आशा होती हैं उनको माना जाता है इस जननी सुरक्षा योजना के अंदर एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन इन द लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। ये जो है कौन कौन से स्टेट्स में लागू होता है, जो आपके 8 एकदम लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, वहां पे, और आसाम और जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। अब ये जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स हैं 8, वो कौन कौन से हैं, ये जो हैं सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के टर्म्स में पीछे रह गया है, तो इनमें जो है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। तीसरा अब आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू बेनिफिट द प्रेग्नेंट वुमेन हु एसेस द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर देयर डिलीवरी एंड मोटिवेट दोज हु स्टिल चूज टू डिलीवर एट देयर होम्स टू ऑप्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इनका काम भी यही होता है कि वो लोग जो वुमेन पहले से हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करा रही है उनको हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, प्लस जो वुमेन अभी भी चूज़ करती हैं घर पे डिलीवरी को उसको वो लोग प्रमोट करते हैं कि नहीं आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, आप हॉस्पिटल में जाके ही बच्चा डिलीवर करें। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस द डिफिकल्टी बीइंग फेस्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेरेंट्स ऑफ सिक न्यूबॉर्न अलॉन्ग विद द हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम। इसका मतलब ये है, तो क्या होता है कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो वो बीमार भी होता है जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए और पुअर वुमेन जो होती है उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये स्कीम निकाली गई है, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा योजना थी, इससे पहले हमने जननी सुरक्षा योजना देखा था, वो बेसिकली किसके लिए होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। और ये जो जननी शिशु सुरक्षा योजना होती है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्लस बच्चे के ध्यान रखने के लिए होती है, ठीक है। अंडर दिस स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन हैव एसेस टू कम्प्लीटली फ्री एंड कैशलेस सर्विस
टू प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडिंग द नॉर्मल डिलीवरी एंड द सिजेरियन ऑपरेशन, ठीक है। और जो आपका न्यूबॉर्न होता है, बीमार न्यूबॉर्न अप टू 30 डेज आफ्टर बर्थ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। उसके बाद आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आपका स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ये जो स्कीम है ना, ये 4D को आइडेंटिफाई करती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव एमिंग एट अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब जल्दी, मतलब समय का देरी होने से पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की साइड से इंटरवेंशन होना चाहिए। एक बच्चे का 4 चीज़ों में इसमें ध्यान दिया जाता है, उसके जन्म से लेके उसके 18 साल की एज तक। क्या क्या? डिफेक्ट एट द बर्थ, जन्म के टाइम अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसी, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है, उसको कोई बीमारी है क्या, और अगर वो बड़ा हो रहा है तो उसके डेवलपमेंट में क्या क्या देरी हो रही है, डिले हो रहा है, इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटी। तो ये 4 चीज़ों को देखा जाता है, इन 4 चीज़ों को पहचान कर फिर गवर्नमेंट की साइड से इंटरवेंशन किया जाएगा और इसमें सुधार लाया जाएगा। द सर्विस एम्स टू कवर द चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज इन रूरल एरियाज एंड अर्बन स्लम्स इन एडिशन टू द चिल्ड्रन इनरोल्ड इन क्लास 1 to क्लास 12 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्कूल्स में कई बार रेगुलर मेडिकल चेकअप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप विल बी स्पेसिफिकली मैनेज्ड एट द डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, वाइल द 6 to 18 एज ग्रुप विल बी मैनेज्ड थ्रू द एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। उसके बाद आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो आपका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, दिस हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर द एडोलेसेंट, ये जो है एडोलेसेंट बच्चों के लिए होता है फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स, इट सीक्स टू टारगेट द इशूज रिलेटेड टू देम, जैसे कि न्यूट्रीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज एटसेट्रा। द की प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोग्राम इज एडोलेसेंट पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जेंडर इक्विटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अदर सेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इसमें 6 C को कवर किया जाता है, जैसे कवरेज, कंटेंट, कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करके बच्चों को अवेयर करना है, काउंसलिंग करनी है उनकी अगर वो लोग किसी गलत आदतों में जा चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उनको अवेयर करना है ताकि उनके साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह ना हो जाए, क्लिनिक्स एंड कन्वर्जेंस। इट इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन थ्रू पीयर एडुकेटर्स, मतलब कि हमको क्या करना होता है, जो बच्चे होते हैं उनके जो आसपास के लोग हैं वही उनको एजुकेशन दे इन सारी चीज़ों के बारे में, उनको समझाएं, उनके सोसाइटी में ऐसे कुछ काउंसलर्स हों, एंड इज strengthened by the collaboration with other ministry and state government. It is an effort to move away from a doctor-driven effort towards a holistic and participative program. This program is a very nice program. Then comes the National Urban Rural Health Mission. It's National Urban Health Mission, Ministry of Health and Family Welfare. ये जो है सब मिशन है ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि नेशनल हेल्थ मिशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक होता है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का, इट एनविजाजेस टू मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विद द फोकस ऑन अर्बन पुअर। It seeks to provide them with essential primary healthcare services and reducing the out-of-pocket expenditure. This would be achieved by strengthening the existing healthcare service delivery system and converging with various schemes relating to the wider determinants of health like drinking water, sanitation, school education, etc. ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो है हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे और मजबूत बनाना है बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रख के, जैसे जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गया, तो बाकी मिनिस्ट्री के साथ मिलके हमको इन सारी चीज़ों में भी ध्यान देना है अंडर द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये जो है एक इंश्योरेंस स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज़ अनाउंस्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द रीजनल इम्बेलेंस, मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग रीजन में हमको जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एफोर्डेबल
टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द फैसिलिटी फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया. इसके सॉरी इसमें इंश्योरेंस नहीं है, वो कोई दूसरा है. इसके दो कंपोनेंट हैं, सेटिंग अप द न्यू एम्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. अब आता है आपका राष्ट्रीय आरोग्य निधि, RAN, दैट इज रन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इट प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पेशेंट्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस टू रिसीव द मेडिकल ट्रीटमेंट एट एनी ऑफ द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है, तो ये होता है डेडली डिजीजेस के लिए फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है इट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट, मतलब एक बार में पैसा मिल जाता है टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल जहाँ पे वो ट्रीटमेंट पेशेंट लेगा. ठीक है, इन दिस स्कीम द स्टेट्स आर नीडेड टू क्रिएट देयर ओन स्टेट इलनेस फंड इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन देगी और बाकी जो है वो स्टेट देगा. अब आता है मिशन इंद्रधनुष. ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू कवर ऑल दोज चिल्ड्रन बाय 2020 हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड, या तो उनको टीकाकरण उनका नहीं हुआ है या फिर पार्शली सिर्फ उनके कुछ टीके ही लगे हैं, अंडर द अगेंस्ट द वैक्सीन ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ऐसी बीमारी जिनको हम टीकाकरण से अवॉइड कर सकते हैं. इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इट प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीन अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस टू 26 million चिल्ड्रन एनुअली. द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये कौन कौन सी डिजीजेस के लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए. ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया एंड मेनिनजाइटिस ड्यू टू द हेमिफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मेशल्स, रूबेला, जैपनीज इंसेफेलाइटिस एंड रोटा वायरस डायरिया. ठीक है, और ये जो आपका रूबेला, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और रोटा वायरस है ना, ये सिर्फ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में दिया जाता है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है. उसके बाद आता है मिशन परिवार विकास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इसका क्या एम है और ऑब्जेक्टिव है? टू एक्सेलरेट द एसेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस. देखिए, परिवार से आप फैमिली प्लानिंग से इसको कनेक्ट कर सकते हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, रिलायबल सर्विसेज एंड सप्लाईज विद इन अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क. इट वॉज लॉन्च्ड इन 145 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन द कंट्री. उसके बाद आता है प्रोजेक्ट सनराइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो देखो, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम अकाउंट फॉर द हाईएस्ट एडल्ट एचआईवी प्रिवेलेंस इन द कंट्री, मतलब एड्स. नेशनल एवरेज है फॉर द एड्स इज 7.14%, लेकिन मणिपुर में इट इज 12.9% एंड इन मिजोरम इट इज 12%. तो वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट सनराइज? It is for the prevention of AIDS in the 8 northeastern states by creating the awareness about the disease. ठीक है, it has been launched in the 8 northeastern states. This scheme is in addition to the existing project of National AIDS Control Organization, that is NACO. The AIDS Prevention Special Project aims to diagnose 90% of such drug addicts which HIV and put them under treatment by 2020. It will be implemented in the 20th district of this 8 states. ठीक है, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान by the Ministry of Health and Family Welfare. ये क्या है? इट इज़ अ फिक्स्ड डे स्ट्रैटेजी एवरी मंथ अक्रॉस द कंट्री, मतलब हर महीने एक फिक्स डेट होता है अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग विच अ रेंज ऑफ क्वालिटी मेटर्नल हेल्थ सर्विसेज आर एनविसाज्ड टू बी प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ एंटीनेटल केयर. अंडर द कैंपेन अ मिनिमम पैकेज मिलता है ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज इज टू बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज ऑन द 9th डे ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, और अगर उस दिन छुट्टी है तो नेक्स्ट वर्किंग डे एट द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लिनिक्स टू इंश्योर दैट एवरी प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्स एटलीस्ट वन चेकअप इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है, उसके बाद आता है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, दैट इज माँ.
It is a nationwide program to bring the undiluted focus on the promotion of breastfeeding. Because एक child के development के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जो है उसे mother milk मिले and the provision of counseling the services for supporting the breastfeeding through health systems. The program has been named MA to signify the support of lactating mothers required from family members and at the health facilities to breastfeed successfully. फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क दैट इज एविन. ये क्या है? इट इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड, इंडिया में ही डेवलप किया गया सिस्टम है दैट डिजिटाइजेस द वैक्सीन स्टॉक्स एंड मॉनिटर्स द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन थ्रू स्मार्टफोन ऐप. ठीक है, एविन एम्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग द रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द वैक्सीन स्टॉक. ठीक है, द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब आता है नेशनल आयुष मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट मिशन. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी कंट्री में जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन को अभी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं मिला है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेशनल आयुष मिशन आया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द NAM और द नेशनल आयुष मिशन इज टू प्रमोट द आयुष मेडिकल सिस्टम थ्रू द कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज, जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी. सिद्धा के साथ आपका सोवा रिग्पा भी आता है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम फैसिलिटेटिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑल द फाइव सिस्टम. इट एनविसाजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स विच विल लीड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. द NAM कंटेम्पलेट स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मिशन एज वेल एज द मिशन एट स्टेट लेवल. ठीक है, इट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली द डिपार्टमेंट आउटरीच इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम्स. लास्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से, नॉट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ओके, इट इज़ अ कैंपेन दैट इज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी मेडिसिन एट एफोर्डेबल रेट्स टू द मासेस. द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना स्टोर्स जो होते हैं, इट हैज़ बीन सेटअप टू प्रोवाइड द जेनेरिक ड्रग्स विच आर अवेलेबल एट लेसर प्राइजेस बट आर इक्वलेंट टू द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी एज एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है. इसके आगे मैं आप लोगों से अपने थर्ड लेक्चर में मिलूंगी, जिसमें हम लोग कोई तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें हम जितने भी स्कीम्स हैं वो कवर करेंगे. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे रिवाइजिंग एंड स्टे मोटिवेटेड. आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मिलने वाले हैं. थैंक यू.